सो यू वर्स वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस आज के वीडियो में मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूँ नदर गेम्स का। और गाइस एंट्री अपनी ऐसी ही होती है, थोड़ी अच्छी लगती है मुझे तो। और गाइस इस एपिसोड में मुझे बहुत सारे काम करने हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ट्री हाउस टाइप बनाने का कुछ सोचा है, जिसके लिए छोटा सा डिज़ाइन मैंने रेडी किया, जिसको मैं एक फ्लोर सोच रहा हूँ और अपर ले जाऊँ। जैसे आप देख सकते हो ये एक फ्लोर और ये दो फ्लोर फिलहाल मैंने यहाँ पे बिल्ड किए हैं, और तो मैं थर्ड फ्लोर पे ले जाने की इसकी सोच रहा हूँ। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा। उसके लिए मेरे को एक लेवल आइलैंड अपग्रेड करना पड़ेगा, वो क्यों मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अभी देख सकते हो ऐसे लिफ्ट मैंने इसे यूज़ किया है आयरन ब्लॉक्स को, जो कि मैं आपको बता दूंगा क्यों ऐसे काम करता है और अंदर गेम्स में ही काम करता है। और स्पॉन मेरा लेवल 4 का है, स्पॉन रेट 10/1 है, मैंने कर दिया है, बहुत सारे पैसे लगे इसमें, बट ऑफलाइन तो इतना काम तो हो ही जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं क्या करता हूँ ना, अपना सामान ले लेता हूँ, बिकॉज जब भी मैं अपनी गेम लीव करता हूँ अपना सामान वगैरह को चेस्ट में रख के गेम लीव करता हूँ, बिकॉज ये एज अ सेफ्टी। सो मैं अपने सारा सामान अपने चेस्ट से निकाल रहा हूँ। तो तक आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, वीडियो को लाइक करने के लिए पहली बार मैंने बोला है बीच में, सो वीडियो को इस बार लाइक ज़रूर से कर देना। और जैसे मनी पाउच है, जब भी आप अगर मनी को बैंक या फिर पर्स में ना रखना चाहो तो इसे मनी पाउच में रख सकते हो, जो कुछ इस तरह से विदड्रॉ के टाइम में भी बन जाता है। तो पहले तो मैं अपनी एक बार इन्वेंट्री अरेंज कर लेता हूँ मेरे को किसे नीचे चाहिए। हाँ, और ये मिनट पास को जब भी आप नीचे की ओर देख के करोगे तो ये आपके रिडीम हो जाएंगे और आपके पर्स में आ जाएंगे। सो देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, अब मेरे को चाहिए यहाँ पे एक ओक लॉग। उसके लिए मैं किट पर क्लिक करके स्टार्टर करूँगा, तो मुझे एक स्टार्टर किट मिल जाएगी जो कि हर एक घंटे मिलेगी। इसमें ये लेदर के आर्मर रिबोर्डन टूल्स वगैरह होंगे, ये तो सब यूजलेस है। बाकी वाटर बकेट लावा बकेट स्टार्टिंग में काम आएंगे, बाद में फिर ये भी यूजलेस हो जाएंगे। सो मुझे इसकी ज़रूरत थी सिर्फ इस ओक लॉक के लिए, बिकॉज थोड़ा फैंसी बनाना है ना भाई, जब बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे से जाके सबसे पहले इसकी तो मैंने सपोर्ट में जो लीव लगाई थी इसे तोड़ देता हूँ, बेहूदा लगेगा। ओ गाइस, मेरे को यार कॉमन क्रेट की मिल चुकी है, तो इसके साथ ये चलो कॉमन क्रेट की मिली गई है तो लॉबी में चलते हैं ना, जहाँ से मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसका यूज़ कैसे करना है। सो मैं लॉबी में आ गया हूँ। जब मैं इस साइड आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे फास्ट टेलीपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ से क्रेट्स पे क्लिक करके मैं यहाँ वोट क्रेट, तो खैर मैं आपको बता दूँगा वोट कैसे करते हैं। और यहाँ पे है कॉमन क्रेट, तो मुझे इसी की मिली थी, तो मैं इसे ओपन करता हूँ, देखते हैं इसमें से कुछ क्या मिल सकता है। एक शार्ड मिला है, पावर शार्ड, नॉट बैड, बाद में काम आएगा, इस सीरीज में हमें बहुत आगे जाना है अभी। और बाकी तो कोई की अपने पास है नहीं, क्या करते हैं सबसे पहले अपने IS पे चलते हैं। IS सच में अपने LED बने जा, बिकॉज आपको मैंने इसकी प्रॉब्लम पिछले एपिसोड में आपको बता ही दिया है। सो मैं इस आई से हूँ, सो मैं एसोसिएटेड आईलैंड करके ही जा पाता हूँ, इसलिए मैंने परमिशन वगैरह दे रखी है उस आई से। सो खैर देख लो, मैं आईलैंड पे आ चुका हूँ और मैं थोड़े बहुत सैपलिंग्स वगैरह लगा देता हूँ, बिकॉज उसकी मेरे को लीव्स वगैरह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, तो मुझे यहाँ पे ही बिल्ड करना है थर्ड फ्लोर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी मेरे लिए, ताकि ये बिल्ड तो सुंदर लगे। और यहाँ पे आप देख सकते, जानते हो कि लीव्स पे ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ स्पॉन हो। और हाँ, पिछली वीडियो में मैंने वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको AFK पूल बना के दिखाऊंगा, तो AFK पूल की रेसिपी कुछ उस टाइप से है, आप अभी देख लो। बाकी इस वीडियो को आप सेव करके रख सकते हो, ताकि आपके फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे अगर आप इस सर्वर को ज्वाइन करते हो तो, वरना ये नॉर्मली तो आपके किसी काम का है नहीं, बिकॉज अगर आप PC प्लेयर हो तो नॉर्मली खड़े खड़े भी कर सकते हो, बट इस सर्वर में ऐसा नहीं होता, इसीलिए सबको साइन बोर्ड लगा के जिस तरह से मैंने किया है, और एक मिडिल में आपको एक ब्लॉक का सेटअप लगाना पड़ेगा ताकि एज अ राउंड हो जाए और पानी एक डायरेक्शन से ही फ्लो करे। जब भी आप इसके अंदर जाओगे तो आप एक जगह पर रहोगे नहीं, हो कुछ इस तरह से परमानेंटली वर्क करता रहेगा, और ये देखने में अच्छा भी लग रहा है ना, कुछ बुरा तो लग नहीं रहा, ठीक ही है। तो मैं जरा इस लकड़ियों को काट लेता हूँ ना, लकड़ियाँ आ ही गई हैं, तो वो ब्लॉक भी हो जाएंगी और फिर सैपलिंग्स वगैरह भी मिल जाएंगे इनसे। ओके, तो आप सोच रहे हो कि फिर मैं डबल लॉक क्यों लगाया, तो गाइस जैसे बेडरॉक एडिशन में होता है कि लीव्स वगैरह डिस्पॉन होते ही नहीं है ना जल्दी से, बट इसमें क्या है कि अगर सारे लोग स्टोर हो तो लीव्स वगैरह जल्दी जल्दी डिस्पॉन होने लगते हैं, अगर हमने खुद भी लगाए हो फिर भी, तो कोई बात नहीं, अब ये तोड़ ही देते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ ना, एक शीयर बना के ले आता हूँ, शीयर से क्या हो जाएगा ना, थोड़े बहुत लीव्स वगैरह मिल जाएंगे जो कि हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरे पास आयरन है नहीं है सर इसमें या फिर इसमें किसी एक फर्नेस में, तो हाँ इस फर्नेस में मैंने बहुत सारा आयरन स्मेल्ट किया है। सो अब मैं क्या करता हूँ, इसे एक शीयर बना लेता हूँ, और अब इस शीयर से इन लीव्स वगैरह को, तो जो मज़े आते हैं ना इसे काटने में, एकदम बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं, एकदम सेटिस्फाइंग थिंग है, बिकॉज इतनी जल्दी जल्दी टूटते हैं, क्या बताऊँ।
सारे लीव्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ बिकॉज ये बिल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाँ उस पेड़ को भी तो मैंने काटा था, चलो इधर भी देख लेते हैं एक बार क्या क्या है। हाँ इधर से मैं ये लीव्स वगैरह उठा लेता हूँ और कुछ नीचे भी सामान मिले। सैपिंग्स वगैरह मेरे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बायोम्स वगैरह भी क्रिएट करूँगा आगे जाके। इसके लिए मेरे को लेवल थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, वो उसकी कोई सीन नहीं है, वो मैं कर ही लूँगा, वो मैं साथ में तो आपके कर नहीं सकता बिकॉज आप भी जानते हो क्या प्रॉब्लम है। हाँ जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ही लिया था। तो अभी जैसे मैं हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको कह दिया था कि मैं इसे अपग्रेड करने में थोड़ी दिक्कत है, जैसे मैं आप देख सकते हो मैंने दो के मार्जिन के बाद यहाँ दिया, तो मुझे भी वहाँ पे भी वही करना था, दो के मार्जिन के बाद मुझे यहाँ पे देना था। तो अब जैसे ही मैं इससे आगे जाता हूँ ना यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है कि आइलैंड का मेरी एक लिमिट आ गई है, तो जो लास्ट वाली स्टोन क्लियर देख रहे हो वही इस आइलैंड की लास्ट लिमिट है, जो कि यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम होती है, अगर मैं इसमें ज़्यादा देर रह गया तो मैं मर जाऊँगा इसीलिए। तो अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। तो इस वीडियो की शुरुआत हुई थी दिन से और अब एंड हो रहा है शाम से। सो गाइस जल्दी से जल्दी वीडियो में बस इतना ही कहना है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो ताकि वीडियो की थोड़ी रीच बढ़ जाए। और फाइनल में हमें देख लो मेरे पास 45,000 है, तो एक बार अपग्रेड आपके सामने भी कर ही देता हूँ। और यहाँ पर मैंने ये एक फोन अपग्रेड कर दी और अब हर 9 सेकेंड्स में एक मॉब यहाँ पे स्पॉन होंगे। हाँ तो याद रखना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी मैं मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो में। और इस समय की वीडियो सब्सक्राइब थोड़ी तो लेट हुई थी बिकॉज उसका टाइम बहुत लगता है ना क्रिएट करने में। तो हाँ इस जगह से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी और अब इस जगह से वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अरे हर बार मेरी आउटगोइंग इसी तरह से क्यों होती है यार। चल।